Assalamu alaikum. After the completion of chapter number 17, today we are going to start our first chapter, that is chapter number 12, electrostatics. पहले हम लोग इस नाम पे गौर कर लेते हैं, इस टर्म पे गौर कर लेते हैं, what is meant by electrostatics. ठीक है, electrostatics basically is a combination of two words, electro and statics. इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही हमने नहीं लेने, यहाँ पर इलेक्ट्रो मींस के हमने कोई चार्ज्ड बॉडी लेनी है. और जो चार्जेस हैं वो दुनिया में दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो इलेक्ट्रो का यहाँ पर मतलब जो है वो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं. ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट. स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट. इसका मतलब कि अगर हम इसके लफ्जी मफहूम पे जाएं तो ये जो डेफिनेशन है इसकी इस तरह से बनती है कि ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने उन चार्जेस को डिस्कस करना होता है जो रेस्ट पर होते हैं, यानी कि चार्जेस मूव नहीं करेंगे. लेकिन अगर हम इस चैप्टर पर आगे जाएं, इस चैप्टर के मज़ीद आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम लोग चार्जेस को मूव करवा रहे हैं, हम लोग तो उनको रेस्ट पर ले नहीं रहे. तो अगर वो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो व्हाई हैव वी टेकन देम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने फिर उनको क्यों लिया. तो ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में चले जाएं तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने नॉन एक्सेलरेटेड चार्जेस लेने हैं पूरे चैप्टर में. नॉन एक्सेलरेटेड चार्जेस का मतलब है ऐसे चार्जेस जिनमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी. अब एक्सेलरेशन ज़ीरो होने के सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो चार्ज हम ले लें रेस्ट पर, या हम चार्ज को मूव अगर करवाएंगे तो हम कैसे करवाएंगे, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है बेटे, तो आप लोगों ने बस ये याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिनमें हम लोगों ने उन चार्जेस को डिस्कस करना है जो कि नॉन एक्सेलरेटेड होंगे, जिनकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी. और वो ज़ीरो कब होगी, इधर या तो वो एट रेस्ट होंगे या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक का मतलब होता है खुदादाद, कुदरती. अब देखो, जैसे एक बंदा पेंटर है, वो पेंटर क्यों है? उसने खुद से अपने आप को पॉलिश नहीं किया, जो अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है उसने सिर्फ उसको पॉलिश किया. एक बंदा जो है वो सिंगर है, उसकी आवाज़ अच्छी है, तो वो सिंगर क्यों है? क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, अल्लाह ताला ने उसमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी डाली है आवाज़ का अच्छा होना. अब कोई ऐसा बंदा जिसकी आवाज़ अच्छी ना, वो सिंगर बन सकता है? वो कभी भी सिंगर नहीं बन सकता, बिकॉज उसको अल्लाह ताला ने वो प्रॉपर्टी नहीं दी, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं दी. तो इंट्रिंसिक का मतलब है खुदादाद, सलाहियत, कुदरती, नेचुरली, यानी कि बाय बर्थ जो चीज़ किसी भी बंदे में मौजूद हो हम उसको इंट्रिंसिक कहते हैं. तो इसी तरह से किसी भी मटेरियल के अंदर ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो बंदा या वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा सकती है. अब फोर्स आपको पता है, फोर्स दो तरह की होती है, दैट कैन बी अट्रैक्टिव एंड दैट कैन बी रिपल्सिव. तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन एनी अदर चार्ज बॉडी, यानी कि जब दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे के करीब आएंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, वो फोर्स उनकी पोलैरिटी की बनिस्बत की वजह से अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं. ठीक है, इस चार्ज का फॉर्मूला जो है फ़िलहाल आपकी बुक में नहीं है, मतलब कि पहले चैप्टर के इस आर्टिकल में, तो ये आप लोगों ने लिख लेना है, ये यूज़ होगा आगे. क्यू इज़ इक्वल टू एन ई, जिसमें क्यू जो है बेसिकली एब्रीविएशन है, ये हम लोग चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, चार्ज को हम क्यू से शो करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो कूलम होता है. क्यू इज़ इक्वल टू एन ई, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू जो है ये आपने बेटे याद कर लेनी है, मेमोराइज़ कर लेनी है, ये जगह जगह आगे जाके सेकेंड ईयर में यूज़ होगी. ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स. अगर आपको कहा जाता है, कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि एक कोई बॉडी है जिसके अंदर दो चार्जेस मौजूद है तो बताइए उसके, या दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बताइए उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, तो यू विल यूज़ दिस फार्मूला. आप एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ पुट करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई बोथ दी वैल्यूज़ एंड यू विल गेट दी चार्ज. तो आपके पास चार्ज आ जाएगा कि उस बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है. ठीक है, ये थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसकी तमहीद थी, ये बांधना ज़रूरी था, ये बातें बताना ज़रूरी थी. हम चलते हैं इस चैप्टर के पहले आर्टिकल पर. नाम है इसका कूलम्स लॉ, और ये आप 9th 10th में पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ चुके हैं.
कूलम्स लॉ बेसिकली एक साइंटिस्ट था, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम इसका पूरा नाम था, और ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। इसने बेसिकली दो चार्जेस के दरमियान में लगने वाली फोर्स को मालूम किया था। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, कूलम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर अप्लाई होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट चार्ज, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से मैं रिपीट करवा देती हूँ। पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनके दरमियान का फासला उनके साइज से बहुत ज़्यादा हो, यानी कि चार्जेस बहुत दूर हों तो फिर हम उनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। ठीक होगी बात। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो चार्जेस हैं, नेमली Q1 एंड Q2, इनके दरमियान का फासला मैंने ले लिया हुआ है R। कूलम ने ये जो है वो बताया था कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस, यानी कि इन दोनों चार्जेस का जितना मैग्नीट्यूड है इनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स। ठीक है, फिर उसने जो नेक्स्ट कंक्लूजन दिया था, नेक्स्ट जो उसने पॉइंट दिया था वो ये था कि जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट्स को जब इकट्ठा किया गया तो दैट कम्स एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यानी कि चार्जेस जितने करीब होंगे फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी, चार्जेस जितने दूर होंगे फोर्स उतनी ही कम लगेगी। ठीक है, इन रिजल्ट्स को जब हम लोगों ने इकट्ठा किया तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन चला गया इक्वालिटी में, साथ आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। साथ में फार्मूला रिमेंस द सेम, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो K है इसकी वैल्यू कूलम ने मैथमेटिकली जो है वो फाइंड आउट की थी, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, तो हम लोग भी इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है। के इज़ इक्वल टू 1/4πε₀। अब ये जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, ये आपके लिए थोड़ी सी न्यू होगी। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब फ्री स्पेस क्या होती है? फ्री स्पेस बेटे वैक्यूम को फ्री स्पेस कहते हैं जिसके अंदर कोई हवा नहीं होती, कोई और चीज़ नहीं होती। परमिटिविटी का लफ्ज़ निकला हुआ है परमिट से, और परमिट का मतलब होता है टू अलाउ, टू परमिट, इजाज़त दे देना। तो ये जो परमिटिविटी है इसको थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूँ कि जैसे एक बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रैंक है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक हद तक अलाउ करता है कि वो उससे गपशप लगाएं या उससे जो है वो मजाक करें। ठीक है, तो उसने एक जो हद है एक वो मेंटेन की हुई है। बिल्कुल इसी तरह से जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी का मतलब ये है कि फ्री स्पेस के अंदर अगर दो चार्जेस हम किसी तरह से रख दें तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब दरमियान में जो फ्री स्पेस मौजूद है उसने एक हद तक अलाउ करना है उन दोनों चार्जेस को कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं। ठीक है, ये नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा फोर्स लगाएं, तो फ्री स्पेस ने एक हद मुकर्रर कर दी है और आप उस हद को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एज़ डिस्क्राइब इन योर सिलेबस आपने एज इट इज़ याद करनी है 8.85×10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप जब इस के की वैल्यू में डालेंगे तो इस के की वैल्यू कम्स आउट टू बी 9×10^-9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ में जो है ना ये एप्सिलॉन नॉट और के जो यूनिट्स हैं ये आ जाते हैं और ये आपस में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। अब चूंकि फोर्स जो है वो एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल चुके हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एफ़ के ऊपर वेक्टर का साइन, 1/4πε₀ के की वैल्यू, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, साथ में आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर, तो आर हैट इज़ द यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? ये यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, यानी कि ये जो दो चार्जेस हैं इनको इस लाइन ने ज्वाइन किया हुआ है। तो याद रखिएगा इस फोर्स की डायरेक्शन या तो इस जानिब हो सकती है या इस जानिब हो सकती है, यानी कि इसी लाइन के अलोंग होगी, इसके परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसी के पैरेलल होगी। तो ये था इसके पास कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। बेटे अब चूंकि ये जो कूलम्स लॉ है ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है तो हम इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं, तो ये इसका पहला हाफ था। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ आर्टिकल, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हाजिर होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ।